असलम यो एपल का हर साल सितंबर के अंदर इवेंट होता है जिसमें वो लॉन्च करता है नई से नई प्रोडक्ट्स, नई से नए सॉफ्टवेयर्स वगैरह तो इस सितंबर के इवेंट की जो डिटेल्स हैं उसके ऊपर सारी बात करते हैं चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आईफोन चौदह है जिसके ऊपर पूरी डिटेल से मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है लेकिन उसके बारे में बात करते हैं कि उसके डिफरेंट वर्जन है तकरीबन चार वर्जन उन्होंने एड किए हैं आईफोन चौदह चौदह प्लस आईफोन चौदह प्रो प्रो मैक्स जो रेगुलर वर्जन है उसका साइज है सिक्स पॉइंट वन इंच और जो प्रो मॉडल है उसका साइज है सिक्स पॉइंट सेवन इंच का जो रेगुलर वर्जन है उसके अंदर ए फिफ्टीन की चिप है लेकिन जो प्रो मॉडल है उसके अंदर ए सिक्सटीन की बायोनिक चिप है जिसकी वजह से यह पूरी मार्केट का तेज तरीन फोन बन गया उसके अलावा जो उनका बैक कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का हो जाएगा और जो फ्रंट कैमरा है वो भी 12 मेगापिक्सल का है लेकिन उसके अंदर आउट ऑफ फोकस का ऑप्शन डाल दिया है जो कि पहले मौजूद नहीं था आईफोन 14 की प्राइस सात सौ डॉलर से शुरू होगी जबकि आईफोन 14 प्लस की प्राइस आठ सौ से शुरू होगी ये यूएस डॉलर में प्राइस है आईफोन फोन चौदह को आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं सितंबर की नौ तारीख से और आईफोन चौदह रेगुलर वर्जन जो है वो सोलह तारीख से शिप होना शुरू हो जाएगा जबकि आईफोन चौदह का प्लस मॉडल अक्टूबर की सात तारीख से शिपिंग शुरू होगी उसकी आईफोन फोन चौदह के अंदर अब फिजिकल जो सिम कार्ड की ट्रे थी

ये अचीव किया आई फोन चौदह सात सौ निन्यानवे से शुरू होगा जबकि आई फोन चौदह प्लस जो है वो आठ सौ निन्यानवे से शुरू होगा जबकि आई फोन प्रो की प्राइस नौ सौ निन्यानवे से शुरू होगी और प्रो मैक्स की प्राइस एक हजार निन्यानवे डॉलर से शुरू होगी उसके अलावा एक नया फीचर ये है कि इमरजेंसी के अंदर आपका फोन डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा तो इसको रेगुलर कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होगी इमरजेंसी को कॉल करने के लिए उसके बाद बात करते हैं एप्पल वॉच के बारे में एप्पल वॉच की जो नई सीरीज है एप्पल वॉच वो बिल्कुल सीरीज सेवन की तरह लगती है लेकिन अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आये उनके बारे में बात करते हैं इसके अंदर एक नया टेम्परेचर सेंसर भी एड किया गया है जिसके जरिए काफी ज्यादा फिजिकल इन्फॉर्मेशन आपको बता सकती है खासतौर पर औरत के कुछ खास दिनों के लिए उसके अलावा इसमें कुछ ऐसे सेंसर्स भी हैं जो कि सेंस कर सकते हैं अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है आपका फोन गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है तो ये सेंस करके उसको ऑटोमेटिकली इमरजेंसी कॉल कर देगी एप्पल वॉच एट सीरीज जो है उसकी प्राइस शुरू होगी तीन डॉलर से जिसमें सिर्फ जीपीएस मॉडल आएगा उसके अलावा अगर जीपीएस और सेलुलर ऑप्शन आपने खरीदना है तो उसकी प्राइस है चार सौ निन्यानवे डॉलर और ये शिप होना शुरू होगा सितंबर की सोलह तारीख से एप्पल ने एक नई वॉच अल्ट्रा के नाम से एपल वॉच लॉन्च की है जो कि फोकस ज्यादा कर रही है एथलीट्स की तरफ जो कि बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वाल्व होते हैं कठिन सिचुएशंस में से गुजारते हैं अपनी सारे गियर को भी इसमें इसकी लुक्स को थोड़ा सा बल्की और स्ट्रांग कर दिया है और एक खास बटन के जरिए आप काफी ज्यादा फीचर एक्टिवेट कर सकते हैं उसके अलावा इसका डिजिटल ग्राउंड जो है वो एक्टिवेट हो सकता है ग्लव्स के साथ भी एप्पल वॉच थोड़ी सी ज्यादा आवाज रखती है क्योंकि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्पीकर भी एड किया गया है और इसमें एटी सिक्स तक की साइरन की आवाज है इनकेस

फीट की गहराई तक पानी के अंदर जा सकते हैं एप्पल अल्ट्रा वॉच की प्राइस सात सौ निन्यानवे डॉलर से शुरू होगी और सितंबर की तेईस तारीख से इसकी शिपिंग पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगी आगे बात करते हैं एयर पार्ट प्रो के वर्जन 2 की जो कि ऑफिशियली तौर पे लॉन्च किया गया है इसमें बहुत ज्यादा नए फीचर्स उन्होंने ऐड किए हैं सबसे पहले नया लोड डिस्टोशन ऑडियो का ड्राइवर इंस्टॉल किया है किया इसके अंदर और एक नया एम्पलीफायर भी ऐड किया गया है ताकि इसकी जो आवाज की क्वालिटी है वो ज्यादा बेहतर हो अगर आपके पास एक आईफोन का मॉडल है जिसके अंदर ट्रू डेथ का फीचर मौजूद है तो उसके जरिए आप स्पेशल ऑडियो जो कि एक फीचर था एयरपार्ट प्रो के अंदर उसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने कानों के साइज और शेप के हिसाब से एयरपॉड्स के डंडों के अंदर अब उन्होंने टच का ऑप्शन दे दिया है बजाय इसके कि उसको दबाया जाता आप सिर्फ टच करने से आप उसके फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं मसलन के अगला गाना लगाना पॉज करना प्ले करना यह सारा कुछ इस वर्जन के एयरपॉड्स के अंदर नॉइस कैंसलेशन का फीचर दुगना हो गया इसके अंदर छह घंटों का बैटरी लाइफ टाइम है अगर आप मुसलसल गाने सुन रहे हैं और उसके अलावा चार्जिंग केस के अंदर तीस घंटे तक का एक्स्ट्रा चार्ज मौजूद रहेगा ताकि आप को रिचार्ज वगैरह कर सके अच्छा एक और मसला जो कि यूजर्स महसूस कर रहे थे एयरपॉड्स के अंदर वो ये था कि अगर डब्बी गुम जाए तो उसको ढूंढने का कोई सिचुएशन नहीं है उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है क्योंकि अगर एयरपॉड्स गुम जाते हैं तो उनके अंदर आप एक आवाज पैदा कर सकते हैं जिसको सुनकर आपको पता चल सकता है कि यार ये यहाँ पे पड़े हुए हैं लेकिन डब्बी गुम जाए तो उसके अंदर कोई ऐसा फीचर नहीं था अब ये वाला फीचर भी उसमें एड कर दिया गया है जिसके अंदर डब्बी के अंदर स्पीकर है और आप उसको फाइन माई आईफोन की एप्लीकेशन के अंदर जाके लोकेट कर सकते हैं और उसमें आवाज वगैरह पैदा कर सकते हैं और इस तरह आसानी से उसको ढूंढा जा सकता है अब ये जो केस है पहले सिर्फ लाइटनिंग की जो केबल थी चार्जिंग के लिए वो इस्तेमाल करके चार्ज होता था लेकिन अब एपल वॉच की जो चार्जिंग